जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखो बेटा, हुआ ये है कि जल्दी जल्दी में तुम्हारे होटल का बुकिंग नहीं कर पाया हूँ, तो वहाँ जाकर जरा देख लेना, ठीक है? आप फिक्र मत करिए बाबूजी, वहाँ कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, सारे कागजात ठीक से रख लिए है ना? जी दादा जी। चलो बेटा। बेटा पहुंचते ही फोन करना, मुन्ना की दवाई ले ली है ना? जी सब ले लिया है। बाय। दादाजी ने हमें कितना अच्छा सरप्राइज दिया, आपको मेरे साथ दमन भेज दिया और मैं बेवकूफों की तरह सरदर्द का नाटक कर रहा हूँ उनसे बचने के लिए। इतना अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूँ? क्या कहा आपने? बहाना? आप सरदर्द का बहाना कर रहे थे? क्यों ऐसे? ये तो गलत बात है ना, सब लोग आपके लिए कितने परेशान हो गए थे और आप है कि अब नाटक भी तो आपका साथ पाने के लिए किया था। Everything is fair in love and war, right? ये तो आप साथ में हैं, इसलिए सफर का पता ही नहीं चला। हाँ, थक तो गए हैं और तीन होटल्स भी देख चुके हैं, फिर भी कमरा नहीं मिला। आप फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ी देर की ही बात है, शायद अगले होटल में जगह मिल जाएगी, फिर आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। साहब होटल आ गया। लीजिए। कितना हो गया भैया? 200 रुपये। लाइए मैं उठा लेती हूँ। आप सुबह से थक गए हैं, कब से सामान उठा रहे हैं? इट्स ओके अक्षरा, चलिए ये होटल भी चेक कर लेते हैं, आइए। आई होप नेते कम से कम हमें इस होटल में कमरा मिल जाए, नहीं तो पूरी रात कमरा मिलेगा या नहीं भी नहीं पता है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। डोंट वरी अक्षरा, आई एम श्योर हमें इस होटल में एक कमरा तो मिल ही जाएगा। चलिए। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। आपके पास कोई रूम्स अवेलेबल है? सॉरी सर, नो वैकेंसी। प्लीज हमें सिर्फ एक ही कमरा चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, इस सीजन में एक भी कमरा खाली नहीं है। जगह नहीं मिल रही है, सब फुल है। मैं तो जब भी बाहर गई हूँ घर वालों के साथ ही गई हूँ, पता नहीं हम दोनों ये सब अकेले कैसे मैनेज कर पाएंगे। मैं घर फोन करूँ क्या? ओहो अक्षरा, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, ऐसा तो होता ही रहता है,
अब हमने एडवांस बुकिंग कराई नहीं, इसे थोड़ा बहुत घूमना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमें रूम मिल ही जाएगा। चलिए। एक्सक्यूज मी सर, हमारे पास एक रूम खाली है। लेकिन आपने अभी तो कहा कि कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है। हाँ सर, अभी तक तो नहीं था, लेकिन एक गेस्ट ने रिसेप्शन में आपको देखकर कहा कि उनका कमरा आपको दे दिया जाए। लेकिन वो थे कौन? कोई मिस्टर बख्शी। बख्शी? लेकिन मैं तो किसी मिस्टर बख्शी को नहीं जानता, ये है कौन? खैर आप चलिए, उन्होंने अपना रूम वैकेट कर दिया है। ठीक है, आप उन्हें हमारी तरफ से प्लीज थैंक यू कह दीजिएगा। जी बिल्कुल। संजय, इनका सामान 502 में रखवा दो, ठीक है? थैंक यू, मोस्ट वेलकम। चलिए। जान में जान आ गई। सच नैतिक, भला उस आदमी का जिसने हमें अपना ये कमरा दिया है। दुनिया में अब भी बहुत भले लोग हैं, और वैसे भी प्यार करने वालों के लिए सबके दिल में जगह तो होती है। अब आप ये बातें बाद में कीजिए, सबसे पहले घर फोन कीजिए, वो लोग राह देख रहे होंगे। अरे सब लोग सो गए होंगे, आपने टाइम देखा है? कितनी देर हो गई है। लेकिन नैतिक आप। अक्षरा, सच नैतिक, हम पर तरस खाकर अगर हमें ये कमरा नहीं मिला होता तो आज हम ठंडी में घूम रहे होते। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि हम उदयपुर से दूर हैं। चलिए ना नैतिक, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। अक्षरा, हम कहीं नहीं जाएंगे, मैं एक एक पल अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूं। मैं आपका यही इंतजार कर रहा हूं, आप फ्रेश होकर आ जाएंगे। मैं आती हूँ। जल्दी आएगा।
तुलसियानी जी की पत्नी को हमारी वर्षा बहुत पसंद आई, बहुत तारीफ कर रही थी हमारी बहू की, और उन्हें खाना भी बहुत पसंद आया। शौर्य बेटा, वो होटल का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया? जी बाबूजी, आज वो आर्किटेक्ट डिजाइन दे देगा, तो मैं आपको पूरा प्लान दिखा दूंगा। उम्मीद है कि ओमी का तजुर्बा तुम्हारे बहुत काम आया होगा। वो बाबूजी मैं हेलो, राधे कृष्ण राजश्री बहन, राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब कुशल मंगल? जी बस भगवान की कृपा है। असल में मैं कल से ही आपको बताना चाहती थी कि नैतिक और अक्षरा दोनों दमन गए हैं। अच्छा, अक्षरा और नैतिक दोनों दमन गए हैं? ये अचानक दमन कैसे जाना हुआ दोनों का? बस एकदम से ही सब तय हो गया। असल में नैतिक को जाना ही था कुछ काम के सिलसिले में, फिर दद्दा जी ने कहा कि बहू भी साथ में घूम आएगी। अब बस जल्दी जल्दी तैयारी में समय नहीं मिला आपको बताने का, क्षमा चाहती हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अक्षरा और जमाई सा एक दूसरे के साथ खुश हैं, ये सुनकर ही मन को इतनी शांति मिलती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। वैसे इस भावना को आप भी बहुत जल्दी समझेंगी जब रश्मि और नंदिनी बिटिया की शादी हो जाएगी। चलिए ये बहुत अच्छा हुआ कि दोनों बाहर चले गए, थोड़ा समय मिल जाएगा दोनों को एक दूसरे के साथ। जी दोनों बच्चे खुश भी बहुत थे। राजश्री बहन रखती हूँ, घर में सबको मेरा प्रणाम कहिएगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। सुना आप सबने? सुन लिया दीदी, अक्षरा जमाईसा के साथ दमन गई है। तो कुमार साहब कुछ नया लाए? जी एक से बढ़ के एक साड़ियां लाया हूँ, देखिए सजा भी दी है, पर थारे मेहमान जो आने वाले थे वो तो दिखे ही कोनी। बस आते ही होंगे, आप जानते हैं ना मेरी सहेली उषा को, वो आ रही हैं, उनकी ननद को भी ला रही हैं। लगता है आ गए। राधे कृष्ण। आओ आओ उषा आओ। नमस्ते भाई माँ। राधे कृष्ण। भाभी माँ ये मेरी ननद है किरण। नमस्ते। राधे कृष्ण। और ये मेरी बेटी पायल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। राधे। आइए आइए साड़ियाँ तो देख लीजिए। चलो पहले साड़ी देखते हैं। आइए आजा। कुंवर साहब मेरी बेटी के लिए कुछ भारी साड़ियाँ दिखाइए। लो जी भारी साड़ी ये देखिए। देखो खूब जच रही है तुम पर ये साड़ी। पायल की उम्र रश्मि जितनी ही होगी ना? नहीं नहीं, रश्मि से एक साल छोटी है। अच्छा, इतनी जल्दी ब्याह करा दिया बिटिया का? वो बात ये है कि जब तक बेटी का ब्याह ना हो जाए माता पिता के सर पर चिंता रहती है। अब मैं भी खुश और इसका मन भी ससुराल में खूब लग रहा है। एकदम गुड़िया से लग रही है। ये मेरी बेटी है रश्मि। रश्मि ये पायल है, तुम्हारी उषा आंटी की भतीजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी हो पायल? ठीक हूँ। इसका रिश्ता कहाँ तय किया है? अभी कहाँ, अभी तो ये बहुत छोटी है। छोटी? अरे उम्र निकल जाने पर ब्याह करोगी क्या? अच्छा लड़का मिल जाए तो सही उम्र पर ब्याह कर देना ही अच्छा होता है। रश्मि बेटा महाराज जी से कह दे चाय चढ़ा देंगे। जी माँ।
रीवा दीदी कैसी हैं? राधे कृष्ण आंटी। अरे नंदिनी कैसी है? मैं ठीक हूँ। माँ बाबूजी आपको बुला रहे हैं। मैं अभी आई जी। चल बेटा। ये तो रश्मि से बड़ी है ना? ओ, आप समझ में आया कि आप अपनी बेटी की शादी के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? जब तक बड़ी बहन की शादी ना हो छोटी की कैसे हो सकती है? उनकी बेटी के लिए रिश्ता भी बड़ी मुश्किल से आता होगा ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, हम जल्दी कहीं बात पक्की भी कर देंगे। अरे भाई सब लोग बातों में ही लगे रहोगे क्या? देखो ना कुंवर साहब ने कितनी सुंदर साड़ी दिखाई है अपने पायल के लिए, है ना? हाँ, बहुत अच्छी। एक ये वाली कुंवर साहब और ये भी, ये तीन चार साड़ियां ले लेती हूं। हाँ, भाभी वो ऑफिस के काम से आया था। अच्छा नैतिक भी तो यहाँ ऑफिस के काम से आए हैं। मैं भी उनके साथ आ गई, हमें तो पता ही नहीं था आप यहाँ हैं। आपको देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। भाभी आप प्लीज उसे कुछ बताइएगा मत कि मैं भी यहाँ हूँ, वरना उसका मूड खराब हो जाएगा। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, बाय। अच्छा तो आपने अपना कमरा उन्हें परेशान देखकर खाली कर दिया, वही हम सोच रहे थे कि ऐसा आपने किया क्यों, ना ही आप उनसे मिलने गए और ना ही अपने बारे में बताने दिया। बस यूं समझ लीजिए ऐसा करना जरूरी था मेरे लिए, वरना मेरा दोस्त मेरा कमरा लेता ही नहीं। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए आप। आप प्लीज उन्हें ये सब बताइएगा नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।